मुख्तलिफ देहात में क़यामत खेज जालाबारी ने तबाही मचा दी। कापरन, रावलपुरा और मुलहिका इलाकों में जालाबारी से सेब के बागात को काफ़ी नुकसान पहुँचा। बाग मालिकान का कहना है कि उनको करोड़ों रुपये का नुकसान हो गया है और उन्होंने अद्वियात और दीगर चीज़ें कर्जे पर हासिल की है। जिला शुपियान के छठवटन इलाके मुलहिका इलाकों में आज जालाबारी की वजह से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। हमारे साथ कुछ ग्रोवर्स हैं जिनके बागात में इस वक्त मौजूद है, लेकिन कहते हैं कुदरत की आफत से इंसान बेबस होता है। कर मेहनत गुत ना रूद आज कहीं उम्मीद अमिच पीट तह वसित गो कर दवा वन पे ये अन यह अन वन वजमिस पे दवा अच्छा कह क्या दमो पगह दवा वालस ना रूद कहीं ये वन कह उम्मीद पे अगर चूंट कूद पे पीट वस मगर सब साफ कह पन तूद कहीं गए खत्म कम नजरूत कहाँ। आप देख सकते हैं हम बिल्कुल आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि तैयार जो है ये सीजन में अगले महीने में जो है हार्वेस्टिंग का सीजन शुरू होगा। तो आप देखिए डिलिशियस जो पूरी दुनिया में मशहूर अपनी मिठास को लेकर काफ़ी दुनिया में मशहूर है, लेकिन यही डिलिशियस सेब जो है अभी बागों में नीचे गिर पड़े हैं और तमाम जो है जो ऊपर भी है वो जख्मी हो चुके हैं। नमत पाँच गो नुकसान अगर बचो का रूज बस गोस पे अंदस ये सिर्फ नंगल लग। कुलगाम के कई इलाकों में बाद दोपहर तेज आंधी तूफान और बारिश की वजह से मकानों गाड़ियों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। सेब के बागात और फसलों को भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा जाहिर किया गया है। यहां बारिश और तूफानी सूरतहाल की वजह से मकानों के छत उड़ गए हैं और दरख्त भी उखड़ गए हैं। सियासी पार्टियों ने इंतजामिया पर जोर दिया कि वो इन नुकसान का तखमीना लगाकर मुतासरीन को मुआवजा अदा करें। बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है हमारे किसान को और जिनकी पूरी नजरें रहती है, उम्मीद कायम रहती है अपने बाग पर, अपने खेत पर, और वही एक रोजगार का वसीला भी है। लेकिन अफसोस ये है कि अभी एक विंड स्टॉर्म का सामना करना पड़ा और जालाबारी हुई, शिद्दत से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा मुतालबा है इसके फसल के नुकसान का जायजा लिया जाए और माकूल मुआवजा, माकूल मदद बहम पहुंचाई जाए। आंधी और तूफान